2014 से पहले अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा सुरक्षा में क्षेत्र रहता था, चारों तरफ गांव-गांव में नक्सली भरे हुए थे, डर से कोई बाहरी लोग यहाँ आना नहीं चाहते। तो कांग्रेस तो 70 साल रहा, 70 साल रहने के बाद मैंने कही है तो कुछ नहीं है, मान ले कीजिए हम नहीं देखे, जितना देखे अपराध बढ़ते गया। रेलवे लाइन को भी उड़ाया जाता था, सड़क को भी तोड़ा गया था, न स्कूल भवन सुरक्षित रखते थे, इवन की रास्ता भी जो था वो असुरक्षित था, कहीं ना कहीं लैंड माइंस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता। मोदी जी से प्रभावित होकर के हम मान लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन किए हैं। मैं राजीव रंजन कुमार पांडे लातेहार व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता हूँ और विगत 19-20 वर्षों से मैं यहाँ पे अपना काम अधिवक्ता का कर रहा हूँ। यह जो लातेहार की धरती है, यह एक ऐसी धरती है जो स्वर्ग से भी सुंदर है। यहाँ का पानी अमृत के समान है और हवा जो है प्राण वायु प्राण तत्व के रूप में माना जाता है। और लातेहार में कोई पहले तो आना नहीं चाहता है, बाहर से लोग जब यहाँ रह लेता है तो फिर यहाँ से जाना नहीं चाहता है, कि लातेहार के बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है, जो लोग के मन में विचार बना हुआ है, यही बना हुआ है कि यहाँ बहुत ज़्यादा नक्सल है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, लेकिन बात सही है, ऐसा था। कि पहले मैं नक्सली संगठन से जुड़ा था तो वाइफ भी मना की कि ये सब ठीक नहीं है, अब किसी से मिलना जुलना सबसे बंद कर दीजिए, किसी से मिलना जुलना नहीं। ऐसा समय था कि सुबह उठते तो देखते नक्सली के, सोने समय अगर जाते तो देखते नक्सली के, उन लोग बहुत करस करवाते थे, क्या पी हैं वो हैं इसे हैं वैसे हैं, चोर हैं बदमाश हैं, कब ऐसे किए वैसे किए, बद होकर के आदमी मैंने उसमें ये मैंने जुड़ जाता था। 1989 में पूरा जब ज्वाइंट झारखंड और बिहार हुआ करता था, उस समय यहाँ पे एक जो सरकार बनी थी वो लालू यादव की सरकार बनी। जब लालू यादव की सरकार आई थी तो वो सरकार के पास कोई विजन नहीं था, और जो विजन नहीं था कम्युनिकेशन भी नहीं था। उनके द्वारा जो शुरुआत किया गया बिहार के लेकर के, उस स्थिति में पूरे बिहार बोले तो नक्सलवाद से ग्रसित हो चुका था, और वह नक्सलवाद आते आते 2000 तक चरम पे था। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि लातेहार एक ऐसा जगह है जहाँ की ट्रेन भी हाईजैक हो गया था। फिर जब मैं 2022 में सरेंडर किया, सरेंडर करने के बाद जेल से 5 महीने का सजा काट के बाहर आया, उस बीच में 2-3 बार माओवादी के द्वारा मेरे ऊपर अटैक किया गया। जिस अपना हम घर में सो रहे थे तो घर को भी घेर लिया गया, एक जगह थी उस जगह के सहारे से हम घर से निकले और वाइफ को लेकर के भागे। हम उसमें मान ली कि 1998 से रहे से 20 में हम जेल से निकले, अरेस्ट होल थे। एक बार हम 2005 में अरेस्ट हुए थे, जेल से निकल गए हम 16 महीना में निकले तो देखे हम कि बहुत बड़ा देखे कि इधर उधर हम यहाँ पर कोई थाना में हमारा संपर्क करावे तो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। माओवादी को लगता था कि हम यहाँ रह करके और कहीं उनके विरोध में मैं कार्य कर रहा हूँ, ऐसा लगता था कि मैं पुलिस के लिए कार्य कर रहा हूँ, JJMP संगठन के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं गतिविधि पुलिस को दे रहा हूँ कि माओवादी का क्या गतिविधि है। उसके पीछे रीजन ही था कि जो नक्सल थे वो ना आपके गाँव में बिजली जाने देते थे, ना रास्ता बनने देते थे,
ना कोई कम्युनिकेशन का साधन होने देते थे, ना स्कूल भवन सुरक्षित रखते थे, इवन की रास्ता भी जो था वो असुरक्षित था, कहीं ना कहीं लैंड माइंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। बहुत जगह पर पुलिया उलिया को उड़ाया गया था, पहले कठपुलिया रहता था, काट का लगा दिए और पुल है उसी में आना जाना लोग कर रहे, वैसे वैसे बहुत से पुल को ध्वस्त किया गया था और कहीं कहीं बन रहा था भी तो उग्रवादी द्वारा उसको क्षति किया गया था। जब एक सुदृढ़ सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सबसे पहले जो उनका फोकस हुआ लॉ एंड ऑर्डर। जब रघुवर दास की सरकार आई तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर को संभाला और आज लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है जहां कभी हम लोग सोचते थे कि गारू जाना है, सरजू जाना है, नेतरहाट जाना है, दिन में जाना मुश्किल था, आज आप रात में नेतरहाट 12 बजे से चलिए, एक घंटा डेढ़ घंटा में लातेहार सेंटर पॉइंट पे चले आइए, आपको कोई परेशानी किसी किस्म का नहीं होगा। यह होता है सुरक्षा। लोगों को और कुछ नहीं चाहिए सरकार से, लोगों को सिर्फ सुरक्षा चाहिए, बाकी लोग तो सब अपने कर लेते हैं। नहीं, प्रशासन से हमको बहुत ज़्यादा मदद मिला। प्रशासन से किसी तरह कोई दिक्कत होगा तो तुरंत हमको पुनः मान ले फोन कीजिएगा, थाना से, एसपी साहब से, हमको मान ले कि बहुत भरपूर मने मदद मिला। मुख धारा में जुड़ के हम मान लिए कि जे काम करने लगे। सड़क को मैं मूल चीज़ मानता हूँ, सड़क बनाया गया और जगह जगह पर जोड़ने के लिए पुल जो बनाया गया उससे बहुत बड़ा राहत मिला है लोगों को। और उससे पुलिस को एक सुविधा मिल गई आने जाने में, और नक्सली को लगने लगा कि ये सड़क सीधा जुड़ा हुआ है मुख्य सड़क से, तो पुलिस को आने में भी देर नहीं लगेगी, इसलिए नक्सली उतने भयमुक्त नहीं रहने लगे, भय में रहने लगे, ज़्यादा समय तक रुकना पसंद नहीं किया लोग। सर, हम लोग बोलते हैं कि आप लोग वहाँ से आइए, मुख्य धारा में जुड़िए, रह नहीं गया कुछ हो, वहाँ पर सुरक्षित नहीं रहिएगा, आप सिलेंडर पड़ोसी तहत आइए, अब जाके एक मान लीजिए हजारीबाग मान लीजिए ओपन जेल में रहिए, बाल बच्चे के साथ रहिए, वहाँ सारा आदमी का मान लीजिए व्यवस्था है, गाय भैंस दूहने के लिए उन लोग को मान लीजिए कि वहाँ वेतन एक तरह से मिल रहा है। बहुत सारे उसमें लोग मुख्य धारा में जुड़ गए हैं, बहुत सारे तो पत्रकार बंधु बन गए हैं, बहुत सारे अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आज आप कोई भी गांव में जाइएगा तो बहुत ही आराम से आप जाइए, सबसे बात कीजिए, सबके साथ बैठिए, खाइए पीजिए और चले आइए। तो कोई भी आदमी खासकर हमारे लातेहार का इस क्षेत्र में आना नहीं चाहता है, गलत क्षेत्र में।